Hello, good evening students. Today in 10th class mathematics, we are continuing with trigonometry. Trigonometry mein, exercise 8.1. We had completed up to question number 5. Aaj ki class abhi hum shuru kar rahe hain question number 6 se. To isme A aur B, A and B, question number 6 mein, A and B are acute angles. Ye diya hua hai. A and B are acute angles. सच दैट कॉस इज इक्वल टू कॉस बी. अब इसमें बच्चों इसमें कहीं पर भी ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि ए एंड बी आर द एंगल्स ऑफ द सेम ट्राइंगल, है ना. इट इज नॉट स्पेसिफाइड, सो दीज कैन बी टू डिफरेंट ट्राइंगल्स ऑल्सो, है ना. ये बस ध्यान में रखना, क्योंकि अगर ए और बी ना देकर सपोज इन्होंने अल्फा और थीटा बोला होता तो क्या करते. तो इसके लिए उस हिसाब से अभी हम लोग जनरलाइज प्रूफ आपको इसमें बता दे रहे हैं. Show that angle A is equal to angle B. Show that angle A is equal to angle B. ये show करना. अब देखना. Suppose we are considering a triangle AMN and we are taking a triangle BPQ, ऐसा कुछ. और इसमें आपको क्या दिया है बच्चों, cos A is equal to cos B दिया हुआ. cos A की वाली बच्चों किसके बराबर, cos B के बराबर है. अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब cos A की वाली कितनी आ जाएगी इसमें, for A cos A will be equal to AM upon ए एन, ऐसा लिख सकते हैं. अच्छा देखिए बहुत सिंपल है प्रूफ. कॉस बी को क्या लिखेंगे, इसमें कुछ बुक्स में दे हैव टेकन ए बी ए एंड बी एज द एंगल्स ऑफ द सेम ट्राइंगल, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड दैट ए एंड बी आर द एंगल्स ऑफ द सेम ट्राइंगल. सो वी आर टेकिंग टू डिफरेंट ट्राइंगल्स. जनरलाइज प्रूफ ले ले रहे हैं, और ए और बी वाला तो सिंपल है, सब मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको मिल ही जाता है. तो कॉस ए की वाली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस बी की वाली बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद एम अपॉन देखना, एम अपॉन बीपी will be equal to AM upon BP will be equal to AN upon BQ, ऐसा लिख सकते हैं. अभी हम लोगों ने क्या किया, cos का तो पहले definition लगा दी, cos का formula क्या है, base upon hypotenuse, ये लिख दिया. फिर उसके बाद बच्चों अभी हम लोग इसको यहां लिया है, इसको यहां पर लिया है, and suppose these values are equal to K, इसको अभी हम लोगों ने equal to K ले लिया. अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें आपको किस किस के बारे में मालूम है, ए एम के बारे में मालूम है, बीपी के बारे में मालूम है, और ए एन के बारे में मालूम है, और बीक्यू के बारे में मालूम है. अब हम लोगों को किस चीज की वैल्यू नहीं मालूम बच्चों, एम एन अपॉन You don't know the value of MN upon PQ. MN upon PQ की वैल्यू नहीं मालूम. तो अब हम लोग क्या करेंगे, MN को क्या लिख सकते हैं बच्चों, फायदा करें उस थ्योरम से. MN will be equal to AN square minus AM square upon under root of PQ को क्या लिख दें, इसको लिख देंगे BQ square minus BP square. अब इससे क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू लिख सकते हैं, ए एन की वैल्यू के टाइम्स बी क्यू लिख सकते हैं. देखो ए एन की वैल्यू, और ए एम की वैल्यू के टाइम्स बी पी लिख सकते हैं, ए एम की वैल्यू के टाइम्स बी पी. अब ये दोनों वैल्यूज रख दो, ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू के स्क्वायर
कुछ गलत तो नहीं लिख रहे ए एन इज इक्वल टू के टाइम्स बी क्यू ठीक। अब इसमें देखना इसको अभी हम लोग क्या लिखेंगे ए एन को के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर और ए एम को के स्क्वायर बी पी स्क्वायर ये लिख लिया अपॉन अंडर रूट ऑफ बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर अंदर क्या आ जाएगा अब ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा बच्चों बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर ये कैंसिल होंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर आ जाएगा यानी के आ गया। अब इससे क्या पता चल गया बच्चों देखो ध्यान से इससे ये पता चला क्या कि इसकी वैल्यू भी बच्चों के बराबर आ रही किसकी ए एम अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए एन अपॉन बी क्यू ये तो के था और एम एन अपॉन पी क्यू बी के आ गया। अब इससे फायदा क्या मिला बच्चों ए एम अपॉन बी पी ए एम अपॉन बी पी ए एन अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू एम एन अपॉन पी क्यू आ गया देयरफॉर ट्राइंगल ए एम एन विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी क्यू और ए एम एन बच्चो ए एम एन बी पी क्यू के सिमिलर है देयरफॉर एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी ये है प्रूफ इसका। दिस इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री प्लस व्हाट सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 7/8 है यू हैव टू फाइंड आउट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। बच्चों ये वैल्यू निकालनी है ये फर्स्ट पार्ट है और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको किसकी cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो cot स्क्वायर थीटा भी कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे एक ये ट्राइंगल ले लिया थीटा है इसको ए बी सी लिख लिया है ना cot थीटा 7k अपॉन 8k लिख लिया है ना। अब इसमें ये 8k आ जाएगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है यानी कि ये क्या आ जाएगा बच्चों ए बी अपॉन बी सी तो बी सी की वैल्यू 8k और इसकी वैल्यू 7k आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा ए सी स्क्वायर यहां कहीं पर लिख दे रहे हैं ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा ये 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर है ना तो ये कितना आ जाएगा 64 प्लस 49 113k स्क्वायर तो ये आ जाएगा k अंडर रूट ऑफ 113 ये आ गया। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों को देखो अब इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को बच्चों क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। बच्चों देखो साइन थीटा को का होल स्क्वायर लिखने का एक स्पेशल तरीका है क्या साइन स्क्वायर थीटा है ना इसमें ऐसा नहीं लिखते
ऐसा कभी नहीं लिखते अभी हम लोग, है ना, ये गलत है। दिस इज हाउ वी राइट डाउन। अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये यहां से निकाल सकते हो। साइन थीटा बच्चों कितना आ जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी अपॉन एसी, है ना, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन एसी यानी 8k अपॉन k रूट 113, यानी ये आ जाएगा 8 अपॉन रूट 113। कॉस थीटा भी निकाल लें, कॉस थीटा विल बी ए बी अपॉन एसी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7k, ये बच्चों बेस है, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और तीसरा जो बच रहा है वो बेस है। तो के रूट 113, तो ये 7 अपॉन रूट 113 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लूं कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 1 माइनस 64 बाय 113 अपॉन 1 माइनस 49 बाय 113, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कितना बचेगा बच्चों, ये 49 बचेगा और ये 64, तो 49 बाय 64 इसका आंसर आ गया। और कॉट स्क्वायर थीटा लेना तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, ये 7 बाय 8 का होल स्क्वायर यानी 49 बाय 64, दोनों के आंसर सेम आ रहे बच्चों। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है और यू हैव टू चेक वेदर, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, ये इक्वल है कि नहीं। तो बच्चों आपको जो दिया है वो कॉट ए, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया है, तो कॉट ए की वैल्यू 4 बाय 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसमें परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर यानी कि ये कितना आ जाएगा, कॉट ए की वैल्यू 4k अपॉन 3k लिख लें, है ना, ऐसे ही लिखते हैं, और इसको ab अपॉन bc लिख ले रहे हैं, तो ab की वैल्यू बच्चों कितनी 4k आ गई और bc की वैल्यू 3k आ गई। अब क्या करेंगे,
एसी निकाल लो, तो एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। तो ये एसी स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। एसी की वैल्यू बच्चों कितनी, 5k, ऐसा कुछ आएगा। अब इसमें अब हम लोगों को ये वेरीफाई करना है क्या ये इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन ए क्या होता है बच्चों, टेन ए निकाल लें अपन लोग अलग से, टेन ए विल बी यहां कहीं पर लिख ले रहे हैं, विल बी बी सी अपॉन ए बी, यानी कॉट ए का उल्टा है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3k अपॉन 4k यानी 3/4, ठीक है। साइन ए कितना आएगा, साइन ए भी निकाल सकते हैं, जस्ट वन मिनट। अब इसमें साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, इसमें बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या है, ये 3k ये 5k यानी 3/5। कॉस ए कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन एसी यानी 4k अपॉन 5k यानी 4/5, ठीक। अब वैल्यूज रखो, लेफ्ट हैंड साइड किया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर। सिक्सटीन माइनस नाइन, इसको बच्चों यहां पर लिख दे रहे हैं, 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 16 अपॉन 25/16। तो ये 16 और 16 कैंसिल होगा, 7/25। तो बच्चों ये 7/25 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू, तो ये 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम इसका 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। सो दिस इज द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें
इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 राइट एंगल एट बी टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 टेन ए की वैल्यू बच्चों 1/√3 दिया है मतलब 1k/√3k और टेन ए होगा क्या इसमें बीसी अपॉन ए बी की वैल्यू इतनी है तो बीसी बच्चों कितना आ गया 1k और ए बी कितना आ गया √3k। अब क्या पूछा इसमें इन्होंने, अब इसमें एसी निकाल सकते हैं तो एसी कैसे मिलेगा एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें ए बी कितना है बच्चों √3k का होल स्क्वायर, बी सी कितना है 1k का होल स्क्वायर, ये 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी कि ये 4k स्क्वायर आ गया है ना, तो एसी स्क्वायर की वैल्यू 4k स्क्वायर यानी एसी की वैल्यू 2k आ गई, ये 2k। अब इसके बाद इसमें क्या पूछा है बच्चों, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद एक और वैल्यू निकालनी है बच्चों किसकी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखना ध्यान से, साइन ए कितना आ जाएगा बच्चों साइन ए, देखना सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ अप्लाई होगा, साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, ये बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कौन सा होता है ए के लिए सामने वाला, अभी हम सिर्फ ए और ए के लिख ले रहे हैं, वी आर जस्ट राइटिंग डाउन द वैल्यूज फॉर ए है ना, ए के सामने वाला बच्चों ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। अब कॉस ए कितना आएगा बच्चों, कॉस ए कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए कितना जाएगा ए के लिए बेस ए बी अपॉन ए सी। अब इधर कॉस ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, वैल्यूज तो वही है। अब इसके बाद सी के लिए बच्चों, तो ये सी के लिए सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये बेस आ जाएगा। अब देखो क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी के लिए बेस अपॉन ए सी प्लस साइन सी, साइन के लिए परपेंडिकुलर बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, वैल्यूज रख लो। बी सी कितना है बच्चों 1k अपॉन ए सी 2k इंटू 1k अपॉन 2k प्लस ए बी कितना है √3k अपॉन 2k, k और k कैंसिल होंगे 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1 आएगा। इधर पर कॉस सी कितना है बच्चों, कॉस सी यहां से उतार ले रहे बी सी अपॉन ए सी माइनस साइन सी की वैल्यू, इसमें तो कुछ भी किए बिना आंसर जीरो आ रहा है, ए बी इंटू बी सी ए बी इंटू बी सी है ना, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, सॉल्व करना सॉल्व करके रख लो, ए बी कितना है बच्चों √3k अपॉन 2k
इंटू बी सी कितना है 1k अपॉन 2k माइनस 1k अपॉन 2k इंटू रूट 3k अपॉन 2k, ये k और k कटेगा, रूट 3 बाय 4 आएगा माइनस ये भी रूट 3 बाय 4 यानी 0। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा 9th है। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। In PQR triangle, right angle at Q. PQR. Oh, R लिखना था, अभी हम R बोल भी रहे हैं, लेकिन PQR. PR plus QR. PR. PR plus QR, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5, PQ की वैल्यू बच्चों 5 सेंटीमीटर है। Find sin P, आपको sin P निकालना है, cos P निकालना है और tan P निकालना है। अब देखना अच्छे से, सारी बातें अच्छे समझ में आए। अब इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब PQ की वैल्यू बच्चों अभी हमें मालूम है, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, PR माइनस QR इंटू PR प्लस QR इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ऐसा लिख लिया है ना। अब इसमें आपको इसकी वैल्यू मालूम है 25, तो पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 इज इक्वल टू 25, तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू बच्चों 25 अपॉन 25 यानी कि 1 आ गई। तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 और ये पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25। ये देखा मेन से बच्चों, ये है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लिया और इसकी वैल्यू मालूम है। अब इन दोनों को ऐड करो तो 2 पी आर इज इक्वल टू 26, तो पी आर की वैल्यू 13, पी आर की वैल्यू बच्चों 13 आ गई। अब ये पी आर की वैल्यू 13 है, तो पी आर की वैल्यू 13 है, इसमें रख दो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर की वैल्यू विल बी 12। अब क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई बच्चों, ये 13 आ गया। अब इसमें क्या पूछा है, साइन पी, तो साइन पी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर, और क्यू आर कितना है बच्चों 12 है अपॉन पी आर 13 है। cos p की वैल्यू बच्चों, cos p बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी pq अपॉन pr,
5 डिवाइडेड बाय 13, और 10 भी बच्चों, तो 10 पी विल बी क्यू आर अपॉन क्यू पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस, देयर आर मेनी पार्ट्स, देयर आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स इन दीस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब इसमें इन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ टेन ए इज लेस देन वन, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज लेस देन वन। अब टेन ए क्या होता है बच्चों? टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब लेस देन वन लाने के लिए पी स्मॉलर देन बेस होना चाहिए। क्या P कभी ग्रेटर देन B होगा? अब इसमें देखो, इसी ट्रायंगल में ये फॉल्स हो गया। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, टेन A की वैल्यू BC डिवाइडेड बाय AB, दिस इज ग्रेटर देन वन। टेन ए ग्रेटर देन वन आ रहा है, क्यों? बीसी बड़ा है बच्चों, ए बी छोटा है। आप इसमें अगर और यहां पर ले लो ए, सपोज ये ले लो, अब देखो इसमें क्या बोलेंगे, बीसी डिवाइडेड बाय ए बी। और देख लो बच्चों, यहां पर ले लो, देखो हमने बहुत सारी पोजीशंस बना के दिखा दी। परपेंडिकुलर ज्यादा है, बेस कम है, मतलब बीसी ज्यादा है, ए बी कम है। सो टेन थीटा इज ऑल्सो, टैन थीटा स्मॉलर देन वन तो होता ही है, स्मॉलर देन वन ऑल्सो टैन थीटा, सॉरी टैन ए स्मॉलर देन वन ऑल्सो, टैन ए इक्वल टू वन ऑल्सो, एंड टैन ए ग्रेटर देन वन ऑल्सो पॉसिबल। अब स्मॉलर देन वन कैसे पॉसिबल होगा बच्चों? इसमें देखो, इसमें क्या बोलेंगे, टेन ए विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। इसमें बी सी छोटा है, ए बी, तो टेन ए बच्चों इसमें स्मॉलर देन वन है, इसमें टेन ए स्मॉलर देन वन है, इस वाले में टेन ए ग्रेटर देन वन है। और अगर ये दोनों इक्वल बना लें, सोचकर देखना बच्चों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे इसमें, ये 90 डिग्री से। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। हालांकि ये कोई मतलब का नहीं है यहां पर बताना। टेन ए विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, और बी सी और ए बी दोनों इक्वल अगर हैं तो ये वन भी आ, तो वन भी पॉसिबल है, स्मॉलर देन वन भी पॉसिबल है, और ग्रेटर देन वन पॉसिबल है। तो ये आंसर बच्चों इसका कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, इलेवेंथ का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दिया है बच्चों, देखो sec a इज इक्वल टू 12 बाय 5, इज इक्वल टू 12 बाय 5, सॉरी, इज दिस पॉसिबल? तो बच्चों sec a sec थीटा क्या होता है, हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, मतलब ए सी अपॉन ए बी। तो यस दिस इज पॉसिबल, हाइपोटन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस।
मतलब ए सी विल बी ग्रेटर देन ए बी, तो सेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, सेक ए की वैल्यू बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, देयरफॉर सेक ए इज इक्वल टू 12/5 इज पॉसिबल। क्यों बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, एसी बड़ा है, एसी बड़ा है किससे, एबी से, और एसी बड़ा है एबी से, तो मतलब ये 12 और ये 5, ये बच्चों बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस इज ट्रू, ये सेकेंड पार्ट। अब इसका बच्चों थर्ड पार्ट देखो, कॉस ए इज द थर्ड पार्ट, बहुत इजी है, कॉस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ यूज फॉर कोसेकेंड ए, यूज फॉर कोसेकेंड ए। तो बच्चों ये तो फॉल्स है, क्यों, कोसेकेंड ए का एब्रीविएशन क्या होता है, इसका एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, कोसेक ए, कोसेकेंड ए का शॉर्ट फॉर्म बच्चों, कोसेकेंड ए का शॉर्ट फॉर्म कोसेक ए होता है, और कॉस ए का पूरा नाम कोसाइन ए होता है, तो कोसाइन ए का शॉर्ट फॉर्म कॉस ए होता है, कोसेकेंड ए का शॉर्ट फॉर्म कोसेक ए, तो कोसेकेंड ए का शॉर्ट फॉर्म कॉस ए नहीं होता, इसका ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ये थर्ड पार्ट हो गया, अब फोर्थ पार्ट बच्चों, इसमें इन्होंने बोला है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये बच्चों की हमने पढ़ाते समय भी बताया था, कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट, ये पूरा एक कंबाइंड नाम है, कॉट ए जो है बच्चों एक कंबाइंड नाम है, कॉट विदाउट एंगल हैज नो मीनिंग। तो ये स्टेटमेंट कैसा बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कॉट ए इज, स्टेटमेंट क्या था, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो अभी हमने आंसर लिख दिया बच्चों, ये आंसर है, ये स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये स्टेटमेंट बच्चों फोर्थ वाला फॉल्स है। अब इसमें फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाले पार्ट में बच्चों क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट में साइन ए की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो इज दिस पॉसिबल, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो कभी छोटा होता ही नहीं, ए ये है, ये 90 डिग्रीज है, तो अब इसमें क्या पूछा है, इज दिस पॉसिबल, तो साइन थीटा बच्चों इसमें देखो, साइन ऑफ ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूज होगा, ये छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा, दिस इज स्मॉलर दिस इज लार्जर, देयरफॉर साइन ए इज और डज नॉट टेक वैल्यू ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा नहीं हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी बड़ा नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज ही बड़ा रहता है, ये वाला नंबर नीचे वाला नंबर बड़ा रहना चाहिए, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो दिस फिनिशेस द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे।